अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब भाई। मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज जो है हम लोग मल्टीविटामिन पे जो है हम लोग बात करेंगे और मैं आपको तीन मल्टीविटामिन दिखाऊंगी जो मैंने खुद पर्सनली अपने ऊपर यूज़ की है, ठीक है, जिसे कोई वेट गेन नहीं होता, कुछ भी नहीं। और मल्टीविटामिन हमें मल्टीविटामिन किस लिए यूज़ करेंगे हम उसके भी बेनिफिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले हाथ है हमारा, ये है सर्बेक्जी, ठीक, नंबर वन सर्बेक्जी है, ठीक, जो मैंने यूज़ किया है पहले। सेकंड है हमारा वाइट्रम, ठीक, और थर्ड है हमारा प्रेगना केयर। सो प्रेगना केयर हम जो है सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ ही ले सकती हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है, उसमें बहुत बहुत फ़ायदे हैं आपके बेबी के लिए और आपके खुद के लिए भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो वीकनेस होती है, जो हमारी हालत होती है ना, सो वो हम ही जानते हैं, ठीक। सो मैं आपको उसकी जो है पहले हम लोग उसकी पिक्चर लगाते हैं। सो ये है पूरा पैकेजिंग, इस शेप में आपको जो है इस पैकेजिंग में आपको प्रेगनेंट केयर के कैप्सूल मिलेंगे मल्टीविटामिन के, ठीक है। इसकी प्राइस है शायद 1100 रुपये, मेरे ख्याल से 1100 का था। और जो है इनके बहुत फ़ायदे हैं, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में पूरा फुल प्रेगनेंसी 9 मंथ आप ये कैप्सूल ले रहे हैं तो आप अपने साथ और अपने बच्चों के साथ एक इंसाफी कर रहे हैं। सो आप ये कैप्सूल या मेडिसिन ज़रूर लें मल्टीविटामिन की, ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो, आपको वीकनेस ना हो और आप हेल्दी रहे, तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। और आपके बेबी जो ना जिनके बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं वो चीज़ भी नहीं होगी, जिससे आपको लिटरली अपना अंदर एक बड़ा बड़ा अच्छा चेंज नज़र आएगा। सो मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। सो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट आपने मल्टीविटामिन की तरफ। ये है सर्बेक्सी, ठीक, सर्बेक्सी एंड वाइटामिन, सॉरी वाइट्रम, ठीक। पहले मैंने सर्बेक्सी ली थी। सर्बेक्सी का आपको सबको पता है कि सर्बेक्सी जो है हमें सिर्फ दूध के साथ नहीं लेना होता, दूध के बीच में लेना होता है। मीन दूध जिस वक्त आप चाय नहीं पी रहे हो, दूध किसी कोई चीज़ नहीं ले रहे, आप सर्बेक्सी लें, ठीक, क्योंकि इसका जो बेनिफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बनस्पत दूध वाली चीज़। मीन हम दूध के साथ ले रहे हैं या दूध एक घंटा पहले दूध लिया फिर हम लोग सर्बेक्सी ले रहे, उस पर इतना फ़ायदा नहीं होता हमें, ठीक है। सो सर्बेक्सी में देखें जिंक इंक्लूडेड, विटामिन ई, सी, फॉलिक एसिड एंड बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत अच्छा करता है, मतलब आप लगता है कि आप कुछ चीज़ खा रहे हो और आपकी स्किन बड़ी अच्छी और हेल्दी एंड फ्रेश लगती है, बहुत फ्रेश लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये पहले ऐसी थी अब इतना चेंज कैसे आया है, तो वो पता चलता है कि ऐसा कुछ खाया है, ठीक है। सर्बेक्सी आपकी स्किन में आपके लुक में बहुत नेचुरल से एक ब्यूटी लाता है, ठीक है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है डाइट की वजह से, आप हेयर फॉल में सर्बेक्सी लें, आपके बाल रुकना थोड़ा कम हो जाएंगे। इसमें फॉलिक एसिड भी इंक्लूड, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी इंक्लूड है। सो ये जो बहुत अच्छी है, बस इसमें सिर्फ ये है कि हमें दूध के साथ आगे पीछे करके लेना है, हमें दूध के साथ ना लेना है, ठीक है। और इसकी प्राइस देखिए, इसकी प्राइस भी ये भी ठीक है, इसकी प्राइस है 224, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यह है वाइट्रम। सर्बेक्सी मैंने काफ़ी टाइम खाई, फिर मुझे लगा कि नहीं अब कुछ और मसला है और मुझे और चीज़ों की ज़रूरत है, बिकॉज मैं एक साल से डाइट भी कर रही थी, वॉक भी कर रही थी और वेट भी कम हो रहा था, तो कुछ चीज़ें ना बीच में अटक जाती हैं कहीं पे। सो फिर मैंने ये वाला लेना स्टार्ट किया वाइट्रम का। इसमें जिंक, विटामिन ए, बी वन बी टू बी सिक्स और B12, विटामिन सी, डी, ई, कैल्शियम, बायोटीन, फॉलिक एसिड, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह सब इंक्लूड है। इस कितनी चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं जो इसमें नहीं थी, इसमें इनके इंग्रेडिएंट्स में इतनी देखें नहीं है, सी बहुत चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है जो इसमें हैं, ठीक है। तो इसमें ये खाने के बाद मुझे लगता है कि ये खाती हूँ और मैं चलती हूँ, क्योंकि बीच में मेरी हालत इतनी हो गई थी कि मैं चल नहीं पा रही थी और मुझसे हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था काम, मैं बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई थी। और जैसे मैं एक टेबलेट भी ले रही थी मुझे एनर्जी बूस्टर मुझे मिल रहा था एक। तो ये जो है इसकी प्राइस भी 221, बहुत रीज़नेबल है, कुछ महंगा नहीं, और जहाँ तक अब जाने इससे वेट गेन नहीं होता, दोनों से वेट गेन नहीं होता, मेरा कोई वेट गेन नहीं हुआ है, बिल्कुल वेट गेन नहीं हुआ है, और मुझे दोनों से बहुत फ़ायदा, इससे अलग है तो इससे अलग है, मुझे दोनों ने बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी मल्टीविटामिन लें, अगर आपको वीकनेस है, आपकी आयरन डिफिशेंसी हो रही है, आपको वीकनेस हो रही है, और ठीक है जी। सो मल्टीविटामिन हमें अपने हर हाल में अपने डाइट पर रखना है, अगर आप डाइटिंग भी करो तभी आपको लेना है, ठीक है। और ये आगे मेरे बच्चे यहाँ पर मेरी सारी चीज़ों का किया ख़राब करना। सो मतलब आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और अगर
आप देखें अपने आप को कमज़ोर वीक समझे तो प्लीज़ मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट कर दें। अच्छा एक और होती है सेंट्रम, सेंट्रम बहुत एक्सपेंसिव, वो भी बहुत अच्छी है पर बजट फ्रेंडली नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। सो जब अगर आप लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं ना वो भी ले सकते हैं, तो ये बजट फ्रेंडली है और काम तो कर रही है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।